सभी के। मैं अपना कैमरा यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा कैमरा ख़राब हो गया, इसलिए फेस कैम अभी बंद रहेगा। सो आज मैं खेलने वाला हूँ माइनक्राफ्ट, और देखते हैं इसमें कैसा रहता है अपना गेम प्ले। एक बार नया गेम प्ले शुरू करते हैं। तो जल्दी से मैं अपना वर्ल्ड क्रिएट करता हूँ। ठीक है, क्रिएट न्यू, पहला वर्ल्ड है हमारा, तो क्लिक करके जल्दी से हो जा। अभी फ़िलहाल में हम नॉर्मली खेलेंगे, सारा कुछ जैसी सेटिंग्स है वैसे ही रहने देंगे। हमें ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं, ना ही बोनस चेस्ट चाहिए ना कुछ चाहिए। हम सिर्फ कोऑर्डिनेट्स ऑन कर लेते हैं यहाँ से, कोऑर्डिनेट्स ज़्यादा ज़रूरी रहेंगे हमारे लिए, और बस क्रिएट करते हैं इसको जल्दी से। तो वर्ल्ड क्रिएट हो चुका है और लोडिंग हो रहा है सारा कुछ। पहले एक बार लोड होने देते हैं सारा कुछ, उसके बाद चलेंगे, नहीं तो लैग होने लग जाएगा गेम प्ले। हाँ, अब नहीं हो रहा है गेम प्ले लैग, अब चल सकते हैं हम। ठीक है, कंट्रोल्स इसके ये रहे, यहाँ से ये उछलने का सारा कुछ। तो पहले आसपास का मुआयना कर लेते हैं, थोड़ा सा आसपास देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। इधर की तरफ जाके देखते हैं, यहाँ से तो सब कुछ क्लियर ही है। पहले एक जगह देख लेते हैं जहाँ पे हम लोग अपना घर वर बना सकें। ये शायद फ्लावर बायोम शुरू हो रही है यहाँ से, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि काफ़ी सारे फूल वगैरह दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे इसके लिए। तो ये सारी फ्लावर बायोम ही है जहाँ तक नज़र जा रही है, फूल ही फूल दिख रहे हैं बस। तो शायद ये फ्लावर बायोम ही है, तो यहीं कहीं देखते हैं हम अपना जहाँ पे बना सके हम अपना घर। तो मैं अपनी एक अच्छी सी जगह यहीं कहीं देख लेता हूँ जहाँ पे मैं घर बना सकूँ अपना, उसके बाद आप लोगों को मिलता हूँ, नहीं तो ऐसे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इधर की तरफ ठीक लग रहा है थोड़ा सा, यहाँ पे पानी वगैरह भी है। ये क्या नेदर पोर्टल है इधर? हाँ, ये शायद नेदर पोर्टल है यहाँ पे, जो देख लेते हैं एक बार, चेक करते हैं इसको भी क्या क्या है यहाँ पे। सब जगह लावा ही लावा दिख रहा है मुझे। यहाँ इधर साइड से उतर के एक बार चेक करते हैं कि इधर चेस्ट रखी हुई है, चेस्ट में एक बार चेक करते हैं है क्या। एक एक्स एफिशिएंसी 1 के साथ, बाकी का फ्लेम चार्ज, और ये भी नीचे कुछ चाहिए नहीं वैसे, इसमें एक्स काम की है बस, तो इसको हम रख देते हैं और एक्स को लेकर चलते हैं बस, क्योंकि ये काम आएगी हमारे। तो फाइनली मुझे जगह मिल गई है, यहाँ से व्यू ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा पीछे का। ठीक है, इधर फॉरेस्ट भी है और सामने की तरफ इधर रिवर वगैरह भी है, पानी की कोई ज़रूरत नहीं है हमें वैसे, लेकिन फ़िशिंग के लिए आसान रहेगा यहाँ से। तो मैं सोच रहा हूँ अपना यहीं पर ही बना लूँ घर, क्योंकि यहाँ से ये देखिए ये सारा कुछ साफ़ करना पड़ेगा और यहाँ पे एकदम क्लियर रहेगा अपना घर। पहले मैं जाके थोड़ी सी लकड़ियाँ लेके आ जाता हूँ, क्योंकि नॉर्मली लकड़ियाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी। यहीं से चलते हैं शॉर्टकट लेके, पहले हम लोग लकड़ियाँ इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या करना है, क्योंकि वुड जो है नॉर्मली सबसे मेन चीज़ होती है, क्योंकि यही शुरुआत से हमारे लिए काम आएगी सारा कुछ क्राफ्ट करने में, और वैसे इसके लिए चॉप कर लेते हैं सारा कुछ। एक्स की एफिशिएंसी अच्छी है क्योंकि शायद ये एफिशिएंसी 1 है, इसलिए इसकी स्पीड ज़्यादा है। तो मैं एक बार यहाँ से लकड़ियाँ चॉप करता हूँ, उसके बाद आपको मिलता हूँ। ठीक है, हमारी एक्स पूरी तरह टूट चुकी है। 26 वुड के मुझे प्लैंक्स मिले हैं यहाँ पे, मतलब वुड जो भी है 26 मिले मुझे टोटल, और मैं अपना घर वहाँ पे बनाऊँगा जो जगह दिख रही है वहाँ पे, उस तरफ वो ज़्यादा ठीक रहेगी। मेरे पास 26 प्लैंक्स आ चुके हैं, तो मैं फटाफट से कुछ जल्दी से क्राफ्ट कर लेता हूँ। जैसे नॉर्मल हमें प्लैंक्स चाहिए होंगे,
ठीक है, उसके बाद सारे ही कर लेते हैं इनको ऑलमोस्ट। एक क्राफ्टिंग टेबल बस हो गया, और अभी फ़िलहाल में यहीं रख लेते हैं। और क्राफ्टिंग के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा यहाँ पे डंडी, स्टिक्स जो नॉर्मल रहती हैं, प्लैंक्स थोड़े से और कर लेते हैं। उसके बाद एक एक्स लकड़ी की ले लेते हैं, चेस्ट वगैरह चाहिए होंगी। ठीक है, यहीं रख लेते हैं चेस्ट को। उसके बाद सारा सामान इसमें रख लेते हैं जो हमें काम नहीं आने वाला, जो शायद ज़रूरी है हमारा। एक ये बस, और तो कुछ है नहीं। कुछ क्राफ्ट कर लेते हैं थोड़ा सा और, जैसे कि एक पिकैक्स, और चलते हैं थोड़ा सा सामान इकट्ठा करने के लिए। नॉर्मली मैं यहाँ से थोड़ा सा लेने वाला हूँ स्टोन, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी मुझे स्टोन का सामान बनाने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा ठीक रहेगा। वुड जो है हमारी थोड़ी कामयाब नहीं है, जिसमें जो है हमारा रॉक थोड़ा काम आएगा, इसलिए थोड़ा सा रॉक इकट्ठा कर लेते हैं। उसके बाद अपने और बाकी के जो हैं टूल्स बनाते हैं। मेरी पिकैक्स टूट गई। ऑलमोस्ट मेरे पास रॉक्स का करीब एक स्टैक आ चुका है, तो शायद और ज़रूरत नहीं पड़ेगी टूल्स बनाने के लिए। अभी फ़िलहाल में इतना ही बहुत है टूल्स के लिए, बाकी का बाद में देखते हैं। जल्दी से फटाफट से क्राफ्ट कर लेते हैं और टूल्स बनाते हैं अपने लिए। हमें और लकड़ियों की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो मैं थोड़ी सी और लकड़ियाँ इकट्ठा कर लेता हूँ यहाँ पे। जल्दी से फटाफट इन्हें इकट्ठा करता हूँ, उसके बाद मैं मिलता हूँ आपको। आसपास देख के लग रहा है रात हो गई है, और मैंने अभी तो कुछ तैयारी भी नहीं करी है। जल्दी से फटाफट से कुछ तैयारी कर लेते हैं रात का, ताकि हम सरवाइव कर सकें। लगता अभी तो खैर रात शुरू हो रही है, ज़ॉम्बी वगैरह स्पॉन होने वाले होंगे यहाँ पे। मैं फटाफट जाके कुछ करता हूँ अपने लिए घर वगैरह की तैयारी। अभी मैं देख रहा हूँ शायद मुझे शीप, हाँ एक मिली। अगर शीप मिल जाती है मुझे, तो मैं अपना बेड बना सकता हूँ, जो कि ज़रूरी है सर्वाइव के लिए और रात में सोने के लिए। एक ही वूल मिली इससे, और दो तीन मिल जाएं तो मेरा बेड बन जाएगा यहाँ पे। जल्दी से मैं उन्हें ढूंढ लेता हूँ। मिल जा, ज़ॉम्बी स्पॉन होने शुरू हो चुके हैं। लगता है नाइट जो है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक रहने वाली है। फर्स्ट नाइट है, मर जा भाई, कितना टाइम लेगा, मर गया। ठीक है, पहली जो है बहुत नाइट जो है ख़तरनाक रहने वाली है, क्योंकि ज़ॉम्बीज आने वाले हैं और मेरे पास अभी तक कुछ भी नहीं है सर्वाइव के लिए। मैं देख रहा हूँ शीप मिल जाए मुझे, तो मैं बेड बना के अपना कर सकता हूँ कुछ, लेकिन मुझे मिल नहीं रही हैं। The next day. तो फाइनली यार पहली नाइट मेरी सर्वाइव हो गई। जैसे तैसे मेरी हालत देखो, खाने का भी कुछ भी नहीं बचा, उसके बाद हार्ट्स भी कम हो गए मेरे थोड़े से। जल्दी से पहली नाइट ख़त्म हो, इसके बाद मैं कुछ ढूंढ लूँगा, कुछ भी मिल जाएगा उससे मैं ढूंढ लूँगा अपना, मतलब नाइट के लिए हो जाएगा मेरा। अभी फ़िलहाल जल्दी से सुबह हो जाए, हो गई। अब ज़ॉम्बी जलने शुरू हो जाएंगे, बचेंगे। आ जा भाई, तुझे भी देख लें, अब तो दिल निकला है वैसे भी, तुझे ख़त्म करूँ पहले। आ जा, कोई शर्मा मत ऊपर, आ जा। अच्छा मैं आ रहा हूँ, रुक। Go crazy! भाई तुझे भाई बुरा लग गया, नीचे आ, इधर आ। हाँ मर जा, ठीक है हो गया। अभी दूसरा देख लेते हैं जल्दी से। अभी मेरी हालत खराब हो रही है, मैं जल्दी से फटाफट थोड़ा फूड का इंतजाम कर लेता हूँ। इन्हें मार लेते हैं। तू भी मर जा, फटाफट फूड का इंतजाम करना पड़ेगा, नहीं तो मेरी हेल्थ कम हो रही है। दो चार और ढूंढता हूँ जल्दी से।
हाँ ठीक है, मैंने थोड़ा सा फूड का इंतज़ाम तो कर लिया है, अब जल्दी से उसको पकाने के लिए कुछ बना लेता हूँ मैं, फर्नेस वगैरह फटाफट से फर्नेस बना के जल्दी से पका लेते हैं कुछ। अब जाके जान में जान आई भाई, बढ़ जा थोड़ी सी और, एक खाली एक और ले लेते हैं, अब जाके जान में जान आई, इसको भी ले लेते हैं, एक चिकन काम आएगा। अब देखते हैं करना क्या है जल्दी से। ठीक है, मुझे शीप मिल गई, अब जल्दी से बेड का इंतज़ाम कर लेते हैं। मर जा, मर गई एक, ये तो बच्चा, ऐसे छोड़ देते हैं, जल्दी से बड़ा हो जाएगा, बच्चा ही है, छोड़ दो इसे, दूसरा कुछ ढूंढते हैं और एक दो शीप और मिल जाएं। ठीक है, एक ही आई है मेरे पास वूल, अभी दो और चाहिए मुझे बेड बनाने के लिए, मैं जल्दी से ढूंढ लेता हूँ उसे भी। ओह, वाइट कलर का हॉर्स, यार ये कितना सही है वाइट कलर का, मेरे पास सेडल होती इसको टेम कर लेता मैं, टेम होगा। अच्छा सॉरी भाई, गलती से लग गया, टेम करके देखते हैं, हो गया भाई एक बार में हो गया, पर मेरे पास सेडल नहीं है यार, इसको चलाने के लिए मेरे पास सेडल होनी चाहिए, सेडल नहीं है। चल भाई तुझे भी एक दिन देख लूँगा, तब तक मैं कुछ और ढूँढ लेता हूँ। ठीक है, मुझे एक शीप दिख गई फिर से, जल्दी से वूल लेते हैं इसका। मर जा मर जा। ठीक है, वूल आ गया मेरे पास, शायद तीन हो चुके हैं मेरे पास, अब मैं जल्दी से फटाफट बेड बना लेता हूँ। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास बेड, अब इसको जल्दी से लगा के अपना रेस पॉइंट सेट मैं कर लेता हूँ यहाँ पे, इधर लगा के और अपना रेस पॉइंट सेट कर देता हूँ, बस हो गया। अब मैं मर जाऊंगा तो, लेकिन यहाँ पर स्पॉन हो जाऊंगा अगर कहीं पे भी मरता हूँ तो, मैं ये इजी रहेगा मेरे लिए। हो गया, अभी जल्दी से फटाफट से मैं वहाँ पे साफ़ करने की तैयारी कर लेता हूँ, मुझे घर बनाने की भी तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि वहाँ पे घर बनाना है, तो इसके लिए उस एरिया को साफ़ करने के लिए मैं स्टोन्स और शवल का यूज़ करूँगा। फटाफट स्टिक बना लेते हैं और शवल लेके उस एरिया को क्लियर करते हैं पहले, जितनी हो सके उतनी शवल लेके, क्योंकि वहाँ से एरिया क्लियर रहेगा फिर घर बनाने में आसानी रहेगी थोड़ी सी, तो मैं फटाफट से वहाँ पे क्लियर करके मिलता हूँ आपको। थोड़ा सा खाना ले लेते हैं क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी, फटाफट से लेके उसके बाद चलते हैं। ये जगह ठीक है, यहाँ से इतना लेवल रखूँगा मैं और फटाफट से मैं इसको क्लियर करना शुरू करता हूँ। काम ख़त्म करते करते नाइट होगी, मैं जल्दी से जाता हूँ फटाफट, एक जल्दी से सो लेता हूँ, नहीं तो अपने मॉन्स्टर वापस आ जाएंगे, आने शुरू हो गए हैं। जल्दी 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 भाई, स्केलेटन नहीं 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 मत मारना, मत फटाफट से जाके बस सो जाता हूँ वहाँ पे। अरे हट जा, सो जा, नहीं सो सकता, मॉन्स्टर है, बेड ही उठा के ले जाता हूँ, कहीं और लगा लूँगा, वहाँ सो जाऊँगा। जगह कहाँ ढूंढूं, इतने सारे मॉन्स्टर हैं, कहीं तो जगह होगी, यहाँ पे नहीं, गलत जा गया मैं, चलो जल्दी यहाँ से निकलो दूसरी जगह। अरे सो जा भाई, नहीं 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 मार मत मार मत, बेड ले लूँ मैं, बेड ले लूँ, ज़रूरत है, स्पाइडर्स, निकलो यहाँ से जल्दी फटाफट, इस तरफ लगा ले रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ी सी रोशनी है, यहाँ पर बेड ठीक रहेगा, बस एक बार जल्दी से नाइट सर्वाइव करूँ। सो जा, हो गया।
हो गया भाई, सब खत्म। चलो जल्दी से बेड उठा लेते हैं और वापस वहीं चलते हैं। ओ भाई, किसी ने मारा, कोई है क्या? नहीं, कोई नहीं है। शायद उससे लावा ब्लॉक से हुआ था, कुछ डैमेज मिला मुझे थोड़ा सा इसके लिए। तो फिलहाल के लिए मैं अपना बेड यहीं पर ही लगा देता हूँ यहाँ पे, और ताकि इजी रहेगा, मैं यहीं के यहीं काम करके यहीं के यहीं सो जाऊँगा तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं फिर से एक बार फटाफट यहाँ पे क्लीन करता हूँ, कुछ खा लेता हूँ पहले, और फटाफट से क्लीन करता हूँ इसको फिर से। फाइनली अभी तैयार है, थोड़ा बहुत एरिया क्लियर किया है मैंने, और अभी फ़िलहाल के लिए इतना ठीक है, यहाँ से वहाँ तक क्लियर हो गया। अभी ज़्यादा बड़ा एरिया चाहिए नहीं मुझे, तो अभी थोड़ा सा फिक्स करने का काम रह गया है इसको। कहीं कहीं गड्ढे हैं, उनको बराबर करना पड़ेगा, तो उनको फटाफट बराबर कर लेता हूँ मैं। प्लान्स बना लेते हैं, उसके बाद इससे घर प्लान करेंगे। मैं यहीं से सोच रहा हूँ घर बनाने की, मैं बिना किसी नाप तोल के बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता नहीं है कैसे कितना एरिया लेना है, तो मैं रैंडमली कितने भी ब्लॉक्स ले लूँगा यहाँ पे। और उसके लिए एक शवल ले लेते हैं। अब शुरू करते हैं यहाँ से जल्दी से बनाने का तरीका। हमारा फर्श तैयार हो चुका है, कुछ इतना लंबा ऐसे दिख रहा है यहाँ पे। और अब इसकी दीवारें खड़ी कर लेते हैं, यहाँ पे दीवारें बना लेते हैं। तो फाइनली इतनी मेहनत के बाद यहाँ पे हमने तैयार कर लिया थोड़ा सा मॉडल, और ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब बाकी का जितना भी सामान है अपना अंदर शिफ्ट कर लेते हैं फटाफट, उसके बाद देखते हैं। तो सारा सामान शिफ्ट हो गया है, और मैं सोच रहा हूँ बाहर की तरफ ना यहाँ पे थोड़े से फूल वगैरह लगा दूँ, फूल बायाम से ला के यहाँ पे फूल लगा दूँगा तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे, तो मैं फटाफट से फूल लेके आता हूँ।
तो शायद इतने फूल काफ़ी रहेंगे हमारे लिए। ज़्यादा फूल तो नहीं चाहिए होंगे क्योंकि हमें सिर्फ बाहर ही बाहर लगाने हैं। यार अंधेरा हो रहा है यहाँ पे, मुझे टॉर्चेस वगैरह भी चाहिए होंगे। अच्छा वो मैं माइनिंग पे जाके थोड़ा सा कोल वगैरह लेके आ गया था, ये रखा। स्टिक्स निकाल लेते हैं और फटाफट से। जल्दी से फटाफट से टॉर्चेस वगैरह बना के आसपास टॉर्चेस लगा देते हैं, नहीं तो ज़ॉम्बी स्पॉन हो जाएंगे। इतना काफ़ी रहेगा शायद, हाँ इतनी ठीक है, एक स्टैक ठीक है टॉर्चेस का। मैं फटाफट लगा देता हूँ जल्दी से टॉर्चेस को। थोड़ी सी मुसीबत के बाद मैंने सब जगह टॉर्चेस वगैरह लगा दी हैं और अब मैं फूल लगा देता हूँ जल्दी से यहाँ पे, ताकि ये थोड़ा सा अच्छा लगे यहाँ पे। ये ख़त्म, दूसरे लगा देते हैं। तो फाइनली हमारे पास एक रहने के लिए जगह बन चुकी है। मैंने थोड़ी सी टॉर्चेस छत के ऊपर भी लगाई हैं ताकि कोई जल्दी से स्पॉन ना हो। तो बाकी सारी चीज़ें ठीक है, एक घर मिल चुका है, बाहर का तरफ का एरिया भी ठीक है। अभी अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि यहाँ पे कुछ खाने के लिए हमें करना पड़ेगा। या तो मैं फ़िशिंग देखूँगा, फ़िशिंग से हो सकता है फूड वगैरह का, या फिर जो है हम नॉर्मली खेती का जो है वो करेंगे, खेती जिसके लिए हमें वीड्स वगैरह के बीज वगैरह चाहिए होंगे कई सारे उसके लिए। तो मिलते हैं फिर एक अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा।